इतनी गंदगी, इतनी बदबू कि हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दोनों चीजें नहीं है, न सफाई है न सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि कहां से ये कूड़ा आ रहा है आज तक पता नहीं चल रहा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काउंसलर से भी कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। वादे और इरादे बड़े बड़े करते हैं पर काम हीरो अंडा करते हैं। केजरीवाल जी डूब के मर जाना चाहिए आपको। पहले विकास पूरी होती है, आज ये विनाश पूरी हो चुकी है, कूड़ा पूरी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मौजूद हूं और अगर आपको ये इलाका देखकर कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने कूड़े और इंक्रोचमेंट की कई खबरों को कवर किया है। अब ऐसे में यहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये लोग भूख हड़ताल पर यहां पर बैठ चुके हैं। आप देख रहे हैं विकासपुरी का ये रोड है जहां पर ये लोग भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए अपने हाथ में ये पोस्टर्स लेके बैठे हुए हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और इनसे जानते हैं सारी चीज़ें। इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है मैम? मैम मेरा नाम है अचला मनोचा। क्या वजह है इस धरने की? मैम वजह तो देखिए हमारे लिए बहुत छोटी छोटी हैं, ये वजह कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, जो कि ये चीज़ें नहीं सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें भी ये लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेन हमारा अभी जो मुद्दा है, हम लोग जो आज सड़क पे हमें बैठने को मजबूर होना पड़ा है, वो है कूड़े की। जो कूड़ा हमारे घर यहाँ पर आस पास है और कूड़ा इतना सड़कों पर हो गया है कि वहाँ से ट्रैफिक निकलना भी मुश्किल हो गया और इतनी स्मेल आती है हम लोगों के घरों में कि हम लोग रात को भी सो नहीं पा रहे हैं। अब आपको पता है बरसातें अभी ख़त्म होने पे आई हैं तो कूड़ा यहाँ पे पड़ा रहेगा, सड़ेगा और स्मेल होगी और तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। पास ही DAV स्कूल है जहाँ पे डंप भी बना हुआ है, वहाँ पे कितना बच्चा है स्कूल का, लेकिन इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती है। हम लोग बहुत शिकायतें कर चुके हैं, सबको बता चुके हैं, प्रशासन को भी जागना पड़ेगा अभी यहाँ पर, इसीलिए आज हम लोग ये सिर्फ कूड़ा ही मुद्दा है क्योंकि अभी मुझे बताया गया कूड़ा और इंक्रोचमेंट दो आप लोगों के अहम मुद्दे हैं यहाँ पर। इंक्रोचमेंट और सबसे बड़ा और भी मुद्दा है हमारा ई रिक्शा जी, ये हमारे सारे मुद्दे हैं जो कि कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, कोई देख कंप्लेंट की गई आप लोगों के द्वारा? क्या चीज़? सॉरी, कोई कंप्लेंट की जाती है आप लोगों के द्वारा जिस पर कोई एक्शन? कंप्लेंट की गई है, ऑनलाइन भी डाली गई है, मेल्स भी की गई हैं और हम लोगों ने यहाँ पे पार्षद MLA सबको हम लोगों ने बुलाया भी है, वो लोग आए भी हैं, लेकिन सॉल्व नहीं हो रही है हमारी दिक्कतें, कोई मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्या लग रहा है कब से बैठे हैं आप लोग, कब तक बैठने का इरादा है? देखिए हम आज ही बैठे हैं, आज सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि क्या अगर वो लोग कुछ करते हैं, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे जब भी, जब तक हमें बैठना। लोग साथ हैं आपके इस प्रदर्शन में? जी पूरा विकासपुरी साथ है। ठीक है, तो देखिए कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम अंजू शर्मा है। अभी मैं सुन रही थी आप एक समाज सेविका हैं। जी मैं एक समाज सेविका हूँ और दिल्ली महिला यूनिटी की प्रेसिडेंट भी हूँ। पूरा संघ, पूरा संगठन अचला मैन के साथ है और हम सब साथ हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनना। थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर शैली उब्राई जी आई थी, तब तो यहाँ की सफाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद ड्रास्टिक जो आप अभी आप अपना कैमरे से फोकस करना, जब हम अपने घरों की सफाई करते हैं कूड़ा हम बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी होती है सरकार की। सरकार जब किसी, कोई भी सरकार हो, जनता जब चुन के आती है तो वादे और इरादे बड़े बड़े करते हैं पर काम जीरो अंडा करते हैं। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूँगी, भ्रष्ट सरकार आपकी थी, शीला दीक्षित जी पे एक उंगली उठाई थी, अब तीन उंगलियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। शीला जी को आपने बेईमान कहा था, आज बेईमानी के कठहरे में जेल में कौन बंद है? दूसरा, जनता को वादा किया था कि हम लंदन बना देंगे, देख लीजिए, जनता को ठगा है इन्होंने, जनता से झूठ बोला है। केजरीवाल जी डूब के मर जाना चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि आपके 63 MLAs हैं यहाँ पर, उनके नीचे MCD भी है, आपकी सरकार की है। इस समय आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक राउंड काट लेते हैं। कल रिसेंटली मनीष सिसोदिया जी ने 2-3 जगह का मुआयना जब होता है तो वो वहाँ की सफाई कर देते हैं, DTT पाउडर डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद बद से बदतर हालत है। पीछे भी तो मुड़ के देखा कीजिए, केजरीवाल जी की सरकार इस बार जनता समझ चुकी है, ये फेल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल की, बेईमान सरकार है केजरीवाल की। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल जी यहाँ पर आके जरा आप बैठिए, जरा शैली ओबराय जी को हम यहाँ पे चाय पे बुलाते हैं, मनीष सिसोदिया जी को चाय पे बुलाते हैं। कैसी दिल्ली की हालत कर दी है आपने, बद से बदतर, चिल्ला चिल्ला के। हम लोग लेटर भी देते हैं,
कोई सुनवाई नहीं है और इस तरह का कार्य अगर आम जनता या आम महिलाएं सड़कों पर कर रही हैं तो शर्म आनी चाहिए। ये जवाब है सरकार को, ये जवाब है जनता को कि जिस जनता ने चुना था आपको तो वो आप फेल हो चुके हो, इसलिए आपको इस्तीफा तो आपने दिया नहीं। जेल में बैठे हुए सरकार चला रहे हैं तो ऐसी सरकार चला रहे हैं क्या? अगर जनता बीमार होती है, क्योंकि यहाँ से लाखों लोग निकलते हैं रोज के रोज, तो वो कोई भी मच्छर कीट पतंगा ये नहीं देखेगा कि कौन सा पार्टी का है, कौन से संघ का है, संगठन का है। और दूसरा, बुजुर्गों की पेंशन भी रोक रखी है, पर आम जो स्थानीय निवासी यहाँ के जितने हैं, देखिए वो लोग भी आ रहे हैं, सारी महिलाएं सड़कों पर हैं। जवाब मांगिए, आप जवाब मांगिए केजरीवाल जी से कि इस्तीफा ना देकर बद से बदतर हालत कर दी है आपने। किस चीज़ के आप मुख्यमंत्री है? शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। देखिए, तमाम लोगों में गुस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है और मैंने भी जैसा कि जिक्र किया कि मैंने इस इलाके की कई बार आप लोगों को खबरें दिखाई हैं, फिर चाहे वो कूड़े से संबंधित हो या फिर यहाँ पर इंक्रोचमेंट से संबंधित हो, लेकिन उसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता है। खबर को चला दिया जाता है, थोड़े समय के लिए सफाई कर दी जाती है, लेकिन वापस हालात बद से बदतर नजर आते। तमाम जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर देख रहे हैं आप, तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर, आप समझिए कि कितनी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे होंगे। इसी वजह से अपने अपने घरों में ये लोग नहीं है और यहाँ सड़कों पर ये लोग बैठने को मजबूर है। मैं और भी लोगों से बातचीत करूँगी। क्या नाम है मैम आपका? अनीता मनोचा। क्या ऐसी मजबूरी आ गई? क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा है, कहीं खबरें कवर की, बहुत ज़्यादा गंदगी है, सांस लेना भी दुबर हो जाता है। आप लोगों को क्या क्या परेशानी आती है, बीमारियाँ कौन कौन सी झेलनी पड़ जाती हैं? हम तो बिल्कुल सामने रहते हैं और हमारा पीछे का घर है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दिन रात कूड़ा फेंक के चला जाता है, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब उनको हमारी समझ ही नहीं आती कि हम पे क्या बीतती है। यहाँ पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है दिन रात, और हम जो यहाँ मनोचा वाले हैं, एयरपोर्ट सारी सोसाइटी वालों के लिए परेशानी है। ऐसा लगता है आपको कि आप दिल्ली के इतने पॉश इलाके में रहते हैं लेकिन यहाँ पर हालात तो इतने ज़्यादा बुरे हैं? आपको भी पता है, हम ही बैठे, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं और यहाँ पर रहते रहते हमारा सांस लेना मुश्किल है। मैं तो सामने से आवाज़ें लगाती रहती हूँ, बच्चे गुस्सा करते हैं, मम्मी आपको एक आवाज़ कोई सुनता नहीं है, आप क्यों आवाज़ें लगाते हो? क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, भाग के जा नहीं सकती, बस यही प्रॉब्लम है हमें। इतनी गंदगी, इतनी बदबू कि हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, और भी लोग हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। सर, क्या लग रहा है कि भूख हड़ताल तक की नौबत आ चुकी है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या है कूड़े की, कूड़ा इतना फैला देते हैं यहाँ पे, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि MCD के डंपर्स ही आके यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं आजकल, और बिल्कुल रोड के ऊपर डाल रहे हैं। अब MCD के डंपर ही जब आके हमारे घरों के सामने कूड़ा डाल के जाएंगे तो हमारे पास क्या और रास्ता है, आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट ही कर रही है हमारे घरों के। भारत का नारा दिया जाता है, स्वच्छ दिल्ली तो बनाया ही नहीं जा पा रही है। कहाँ स्वच्छ दिल्ली है, कहाँ स्वच्छ भारत है, मुझे दिखाओ। देश की राजधानी है जिसे हम कहते हैं कि भाई भारत की पहचान है, इतनी गंदगी यहाँ पर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो लगता है कि हम किसी मतलब गटर के अंदर रह रहे हैं। सरकार बिल्कुल फेल रही है। बिल्कुल, जहाँ तक हमारा सवाल है, सफाई होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं है, ना सफाई है ना सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर सिंह छोटी है और हम यहाँ पे 2014 से काम कर रहे हैं। जब 2014 में काम शुरू किया था तो ये रोड पूरी कूड़ेदान थी शुरू से लेके एंड तक, और इस पर हमने उस टाइम भूख हड़ताल भी की, चक्का जाम भी किया, प्रशासन से भी मिले, डिपार्टमेंट से भी मिले, तो ये तीन डिपार्टमेंटों का काम था, फ्लड डिपार्टमेंट, MCD और PWD, उन सब से मिलकर ये काम कराया गया। और ये एक रोड बिल्कुल विकासपुरी की मॉडल रोड बन गई थी, यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा नहीं होता था, बिल्कुल साफ सुथरी रोड था। यहाँ पे हम कार्यक्रम करते थे सुपरवाद, जैसे कनॉट प्लेस में राहगिरी होता है वैसा कार्यक्रम करते थे इस रोड के ऊपर सुपरवाद, और सुबह 4 बजे कार्यक्रम चलता था, बिल्कुल साफ सुथरी रोड थी। पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि कहाँ से ये कूड़ा आ रहा है आज तक पता नहीं चल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कूड़े कई बार कूड़ा कह के उठवा भी दिया फिर कूड़ा आ जाता है। तो इसका हमें हाल में यही हाल लगा कि हमें यहाँ पे भूख हड़ताल करते, वैसे भी मरना तो हम भूख हड़ताल से ही मर जाएंगे। तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस सड़क को बिल्कुल साफ करें, जैसे आज से 2 साल पहले थी वैसे सड़क को दोबारा बनाया जाए। साफ कर देते फिर दोबारा वही हाल हो जाता है, जब हमारी कंप्लेंट जाती है, जब हम फ़ोन करते हैं तो काम होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। फ़ोन पे काम होना तो फिर हम अगर ऐसे काम होना तो फिर हम ऐसे कराएंगे या कैसे करना है ये प्रशासन बताए ना कैसे काम करना होना। आपको इस उम्र में सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। देखो, आज मेरी उम्र 62 साल है और 62 साल के ऊपर मैं आके सड़क पर खड़ा हूँ, मेरे को घर में आराम करना चाहिए पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये भाई साहब कम से 70-80 साल के होंगे जो बैठे हैं, तो क्या करें, बीमारी इतनी बदबू आती रात को, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता तो क्या करोगे बताओ, पब्लिक क्या करेगी, आगे वाली
जो जनरेशन आ रही है वो क्या देख रही है, हम क्या कहाँ बैठे हैं। पहले विकासपुरी होती है, आज ये विनाशपुरी हो चुकी है, कूड़ापुरी हो चुकी है, कैसे चलेगा ये काम। तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी लोगों से जुड़ने का मैं प्रयास करूँगी। सर क्या नाम है आपका? ज्योति ओबराय। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो सफाई यहाँ पर नहीं हो रही इतने समय से? बहुत टाइम से हम MCD से बार बार गुहार कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर तक भी गए कि इस रोड की और विकासपुरी के PM सोसाइटी की और PVR कॉम्प्लेक्स के आसपास पूरी सड़क कूड़े से भरी हुई है। बार बार हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काउंसलर से भी कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज हमें मजबूरन, क्योंकि मौसम ऐसा है, अब इसके बाद बारिश के मौसम के बाद एकदम चिकनगुनिया, हैजा, डेंगू, ये वाली बीमारियां बहुत ही जल्द फैलने वाली हैं। और इतना कूड़ा होने, आप जैसे देख रही हैं, आपके आपका तेज चैनल जो दिल्ली का, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रमुख चैनल है, आपके जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि MCD के सीनियर ऑफिसर से और काउंसलर से कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएं, दुरुस्त करवाएं, ताकि विकासपुरी में जो रहने वाला हर एक नागरिक, बुजुर्ग, बच्चा, महिला, तो सब अच्छे से रह सकें और स्वस्थ रह सकें। देखिए तमाम लोगों की समस्याएं आप यहां पर सुन रहे थे, तमाम बुजुर्गों से मैंने बातचीत की है, और देखिए हालात इस तरह बद से बदतर हो चुके हैं कि लोग जो हैं सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये बात से तो आप सभी अग्री करेंगे कि कोई भी अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर सड़कों पर इस तरह से बैठना नहीं चाहता, लेकिन अगर उस व्यक्ति को सड़कों पर बैठकर भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इस तरह से मूक दर्शक बन चुकी है कि सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। अगर इस इलाके को मैं दिखाऊं, मैंने कई बार खबरें दिखाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देखिएगा जाकर, किस तरह से इस इलाके का हाल इतना बुरा है कि यहां पर खड़े होकर जरा देर बोलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ विजुअल्स आपको दिखाती हूं, वहां पर पूरी सड़क पर कूड़ा भरा हुआ है और किसी को कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय? लगातार दिल्ली से जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली को लंदन मॉडल बनाएंगे, लेकिन पता नहीं ये कौन सा लंदन मॉडल है जहां पर कूड़ा भी उठाया नहीं जाता। स्वच्छ भारत की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन स्वच्छता तो बहुत दूर की बात है, यहां से तो कूड़ा ही नहीं हट पा रहा, स्वच्छता तो बाद में यहां पर देखने को मिलेगी। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, प्रशासन की नाकामी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।